figure AB is called of circle and PQ is a tangent at point B of the circle if angle AOB, angle AOB, this angle is 110 degree, then find ABQ. तो हमें ABQ बताना है, ओके? क्या बताना है? ABQ. देखो ये क्वेश्चंस सर्कल चैप्टर का है और इन क्वेश्चंस को अगर हम प्रैक्टिकली डील करें तो लगाना आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम इसे थ्योरेटिकली बताते हैं तो फिगर से ध्यान हट करके नंबर पे आ जाता है. और वी नो अबाउट दैट कि अगर हम फिगर से अच्छी तरीके से समझ लें तो क्वेश्चंस आसानी से लगने लगेंगे, ओके? तो मेरी कोशिश होगी कि आपको फिगर से समझाने की, ओके? अब देखो यही हमारे पास फिगर है और इस फिगर में ये सर्कल आपको दिखाई दे रहा है और ये एक टेंजेंट है बी क्यू एंड बी पी, ओके? एंड बी इज द, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये देखो सर्कल को एक जगह पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है ना, क्या कर रहा है, टच. तो इसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं. पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो कॉन्टैक्ट में है किसके साथ, सर्कल के. तो बी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से क्या होता है कि जब भी कोई रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर आ करके कॉन्टैक्ट करेगा, मतलब टच करेगा, तो 90 डिग्री का एंगल बन जाता है. क्या बन जाता है? 90 डिग्री का एंगल. यानी ओ बी एक रेडियस है क्योंकि सेंटर से आ रहा है, तो अगर ये सेंटर से जा रहा है और बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इस पे आकर कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कि ओ बी परपेंडिकुलर होगा किस पे, पी क्यू पे, ओके? ओ बी क्या होगा, परपेंडिकुलर. सो ओ बी परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, ओके? अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90. तो ये तो 90 हो गया, है ना? लेकिन हमें क्या बताया जा रहा है, हमें बताया ये 110 बस गया है, लेकिन पूछा ए बी क्यू जा रहा है, यानी कि ये हमें पूछा जा रहा है, ए बी क्यू ये हमें पूछा जा रहा है. अब आप देखो क्या है कि इस क्वेश्चन में जो हमें पूछा जा रहा है ए बी क्यू, है ना, ए बी क्यू, इसका मतलब कि अगर ओ बी क्यू में से, ओ बी क्यू, ओ बी क्यू पहले तो आप लिख लीजिए, ओ बी क्यू ये 90 डिग्री अभी आपने दिखाया और लिख लेना इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वजह से, ओके? सो ये 90 डिग्री है. अगर ओ बी क्यू में से मैं इतना ये पार्ट अगर माइनस कर दूं, यानी कि ओ बी ए अगर माइनस कर दूं, तो अपना ए बी क्यू आ जा रहा है, आ जा रहा है कि नहीं? आप देखो कि अगर कंप्लीट में से इतना पार्ट अगर ये माइनस हो जाए तो बचेगा यही पार्ट, और यही पार्ट पूछा जा रहा है जो कि ए बी क्यू है, ओके? तो हमें ये पता करना है कि ये अगर पता चल जाए तो ये निकालना आसान हो जाएगा. तो ये किसकी बात हो रही है, तो ये एंगल है आपके ए ओ बी ट्रायंगल में, है ना? और ए ओ बी ट्रायंगल में एक एंगल पता है, तो दो एंगल निकालना है. कैसे निकालेंगे, ये प्रॉब्लम है. तो इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे हम आइसोसेलस प्रॉपर्टी से, क्योंकि ओ ए और ओ बी क्या है, इक्वल. सो ट्रायंगल ए ओ बी में ये दोनों साइड इक्वल हो गए, यानी कि इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे. अगर ये 110 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 110 को माइनस कर देंगे. माइनस करने के बाद हमें मिलेगा 70 और 70 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 35. क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे तो इस वजह से हम इसे 70 को 2 से डिवाइड कर दिए, तो 35 और 35 हो गया आइसोसेलस की प्रॉपर्टी लगकर. अब हमें बताना है ए बी क्यू, तो ए बी क्यू इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे,
एंगल ओ बी क्यू, ओ बी क्यू माइनस एंगल ओ बी ए, ओ बी ए। और हीरो ओ बी क्यू क्या है, ये तो आपने निकाला 90 डिग्री, और ओ बी ए निकाला आपने 35 डिग्री। अब 90 में से अगर ये 35 हमने माइनस कर दिया तो बचा कितना, 55। कितना बचा, 55, यानी कि जो पूछा जा रहा है वो 55 है। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आया हो, ओके, तो आप इसे अगेन फिर बैक जाकर आप इसे धीरे मतलब स्लो मोशन में आप इसे देख सकते हैं।